हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि आपके झारखंड जेपीएससी पीटी पेपर 2 का एक चैप्टर है झारखंड राज्य के पर्यावरण परिवर्तन और उसके उपाय। इस सारी बातें आपको इस चैप्टर में समझना है, पढ़ना है। छात्रगण, चैप्टर है झारखंड राज्य के पर्यावरण क्या है, उसमें कैसे हो रही चेंजेज, उसके अपशमन मिटिगेशन उपाय क्या क्या किए गए हैं, कौन कौन से जरूरी कदम उठाए गए हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई जाएगी और नोट्स भी लिखाई जाएगी। छात्रगण, ये जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड का एक चैप्टर है इसमें, और ये एक ऐसा चैप्टर जिससे 14 मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दैट मीन्स इसे 7 प्रश्न रहेंगे और इच क्वेश्चन 2 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 14 नंबर का आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। छात्रगण, यहां हम 2-3 बातों पर चर्चा करेंगे। झारखंड राज्य का पर्यावरण कैसा है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण में कौन कौन से परिवर्तन झारखंड राज्य में हो रहे हैं, और झारखंड राज्य के द्वारा इस पर्यावरण परिवर्तन जो हो रही है उसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, और यह उपाय कैसे किन सरकार के उपायों से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनाया गया है। मतलब झारखंड राज्य में पर्यावरण, उसमें हो रहे परिवर्तन और रोकने के किए गए उपाय, इसी 3 बातों पर चर्चा करेंगे। छात्रगण, एक टर्म है व्हाट इज एनवायरमेंट्स, पर्यावरण क्या है। तुम बता दे, पर्यावरण का अर्थ जैविक अजैविक सभी पदार्थों से है, अर्थात जीव जंतु भौतिक रासायनिक सभी तत्वों से है, अर्थात जलमंडल वायुमंडल स्थलमंडल, इन सभी समस्त क्षेत्रों को मिला देंगे तो एक बनेगी यूनिट, एक इकाई बनेगी, और उस इकाई को पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखी जाती है। मतलब हमारे जीवन के आसपास चारों तरफ प्राणी जगत, पादप जंतु, जल मृदा वायु इत्यादि सभी की एक समस्त इकाई को पर्यावरण के नाम से पुकारी जाती है। अब इन समस्त पर्यावरण में जो मैंने बताया, जंतु जल जीव वायु मृदा जलमंडल स्थलमंडल वायुमंडल, इस समस्त इकाई को बोलते हैं पर्यावरण। और इस पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसे प्रदूषण के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का अर्थ ही होता है किसी एक यूनिट में किसी एक खास इकाई पर अवांछित पदार्थ के आ जाने से जब उससे परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाती है, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो जो प्रदूषण है वो देखा जाए तो पर्यावरण में अवांछित पदार्थ, अकार्बनिक अनडिजायरेबल्स, ऐसा पदार्थ जो ये दोनों पहुंचकर उसको हानि करता हो उसे ही प्रदूषण के नाम से पुकारते हैं। देखा जाए तो झारखंड राज्य के पर्यावरण परिवर्तन में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण इत्यादि जैव विविधता में परिवर्तन, इन सभी को पर्यावरण परिवर्तन के अंतर्गत रखी जाती है। और हम देखेंगे
कि किस प्रकार झारखंड सरकार के द्वारा इसको रोकने के लिए या इससे अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस सारी बातों को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने और लिखने का प्रयास करेंगे। छात्रगण, हम शुरुआत करते हैं नोट्स भी और साथ में लेक्चर के माध्यम से इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो छात्रगण, आप लिखिए, चैप्टर का नाम है झारखंड राज्य के पर्यावरण कौमा परिवर्तन कौमा और उपाय, और उपाय, ये तीन टर्म को आप लिखिए। ओके, चलिए अब आप शुरुआत कीजिए नोट्स का। लिखिए इसमें पर्यावरण प्रकृति की वह संरचना है, पर्यावरण प्रकृति की वह संरचना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, पर्यावरण प्रकृति की वह संरचना है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। पर्यावरण प्रकृति की वह संरचना है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है और यह प्राणी जगत पादप वायु जल मिट्टी आदि विभिन्न रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। उसी में इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक में जो कुछ भी दिखता है सब पर्यावरण के दायरे में है। जो कुछ भी दिखता है सब पर्यावरण के दायरे में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परि एवं आवरण। यहां परि शब्द का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का शाब्दिक अर्थ होता है घेरा, और चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है और आवरण का शाब्दिक अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति का हमारे चारों ओर घेरा
हमारे चारों ओर घेरा घेरा ही पर्यावरण है। ही पर्यावरण है अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अर्थात स्थलमंडल लिथोस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व नेक्स्ट पॉइंट में है। विश्व स्तर पर इस पर्यावरण में पर्यावरण में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने स्वार्थ हेतु प्रकृति का दोहन प्रारंभ किया जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा है। ऐसे में झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा उसी में धीरे धीरे परिवर्तन इतना अधिक होने लगा कि पर्यावरण में असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गया है। जिसे पर्यावरणीय समस्या कहते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में प्रदूषण, पॉल्यूशन और जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख है।
टेक्स्ट हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग है प्रदूषण, पॉल्यूशन, हेडिंग है प्रदूषण, तो ऐसे लिखिए हेडिंग में पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण इसमें लिखिए प्राकृतिक पर्यावरण में, पर्यावरण प्रदूषण का पहला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण में अवांछित मतलब अनडिजरेबल्स, प्राकृतिक पर्यावरण में अवांछित और अकार्बनिक एक्जिनियस मटेरियल्स, अवांछित और अकार्बनिक बाहरी पदार्थों का समावेश, अवांछित और अकार्बनिक और अकार्बनिक बाहरी पदार्थों का समावेश जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक, और जैविक पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक के लक्षणों में, के लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न कर दे प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, उसी में सरल शब्दों में, सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों, पौधों और मानव पर, जीवों, पौधों और मानव पर सरल शब्दों में कहा सकता है कि जीवों, मानव और जीवों, पौधों और मानव पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले, हानिकारक प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन को, पर्यावरणीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदूषण के मुख्य रूप दो प्रकार, प्रदूषण के मुख्य रूप दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण नेचुरल पॉल्यूशन, और मानव जनित प्रदूषण ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक प्रदूषण प्रदूषण अर्थात प्रकृति से, प्रकृति से जुड़ी हुई प्रदूषण, प्रकृति से जुड़ी हुई प्रदूषण जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, धान की खेती, धान की खेती
जानवरों की जुगाली जो जो जानवर चबाते रहते हैं मुंह में अपने आप, हम ऐसे करते रहते हैं जानवर। देखिएगा आप गौर कीजिए, जानवर हमेशा मुंह की चुगाली मुंह चलाते रहते हैं, जानवरों की जुगाली। जानवरों की जुगाली ऐसे लिखी में, जानवरों की जुगाली द्वारा मीथेन, जानवरों की जुगाली द्वारा मीथेन का निर्माण निर्माण कमा दीजिए। जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उत्सर्जन तथा मृदा क्षरण सॉइल इरोजन तथा मृदा क्षरण आदि आदि प्राकृतिक प्रदूषण कहलाते हैं, आदि प्राकृतिक प्रदूषण कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखिए मानव जनित प्रदूषण, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैरा लिखिए मानव जनित प्रदूषण, ह्यूमन मेड पॉल्यूशन, मानव जनित प्रदूषण, मानव जनित प्रदूषण। इसमें लिखिए आप लोग, ऐसी प्रदूषण जो मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है, ऐसी प्रदूषण जो मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है, ऐसी प्रदूषण जो मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जैसे खनिज तेलों का जलाना, खनिज तेलों का जलाना, वनों को नष्ट करना, खनन कार्य, सीवेज, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, कीट तथा खरपतवार नाशक या नाशकों का प्रयोग, प्रयोग मोटर वाहनों से निकले हानिकारक गैसें, इत्यादि को मानव जनित प्रदूषण कहते हैं। उसी में प्रकृतिक पर्यावरण से ज्यादा खतरनाक मानव जनित प्रदूषण को माना जाता है। नेक्स्ट दीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग, झारखंड में प्रदूषण। हेडिंग है झारखंड में प्रदूषण। झारखंड में प्रदूषण क्या लिखिए, फर्स्ट पॉइंट,
इसका पहला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए आप लोग उसको, ऐसे लिखिए प्राकृतिक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, प्राकृतिक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन से झारखंड भी अछूता नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। ऐसे में झारखंड में प्रदूषण को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है, नंबर वन जल प्रदूषण, नंबर टू वायु प्रदूषण, नंबर थर्ड ध्वनि प्रदूषण, नंबर फोर मृदा प्रदूषण, नंबर फाइव ताप प्रदूषण, उसी में लिखिएगा नेक्स्ट पैरा में। इसके अलावा झारखंड में जैव विविधता में परिवर्तन, के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, की अस्पष्ट झलक, दिखती है, अब लिखिए आप लोग नंबर वन, नंबर वन जल प्रदूषण, छात्रगण आप लोगों ने अभी तक यह देखा कि पर्यावरण क्या है, तो मैंने बताया कि इस प्रकृति में चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, अर्थात जीव जंतु पादप जल वायु मृदा भौतिक
रासायनिक या हमारे प्रकृति के आसपास दिखाई देने वाले समस्त तत्वों जीवों को प्राकृतिक पर्यावरण के दायरे में रखा जाता है, अर्थात जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, अस्थल मंडल लिथोस्फीयर की एक समस्त इकाई को इन्वायरमेंट पर्यावरण के नाम से पुकारी जाती है। और जब इस पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो चाहे मानव के द्वारा हो, जब इस भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई, जल मंडल, अस्थल मंडल, वायुमंडल में मानव द्वारा या प्रकृति के द्वारा अगर यहां परिवर्तन होती है तो उसे पर्यावरण परिवर्तन अर्थात प्रदूषण के अंतर्गत रखी जाती है। अब ये प्रदूषण के टू टाइप्स हैं, मानव जनित, प्रकृति के द्वारा। बाय नेचर पॉल्यूशन में शामिल है मुख्य रूप से ज्वालामुखी, मृदा क्षरण, धान की खेती से मीथेन गैस की उत्पत्ति, जानवरों की जुगाली से मीथेन का उत्पन्न होना, जानवरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन इत्यादि को प्रकृति पर्यावरण परिवर्तन या पॉल्यूशन के अंतर्गत रखी जाती है। जबकि मानव जनित प्रदूषण में उद्योगों का अवशिष्ट मलबा, मोटर वाहनों का प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रों का प्रयोग जिससे अनेक जहरीली गैस होती है उत्सर्जन इत्यादि बहुत सारे कॉजेज हैं जो प्रकृति में प्रदूषण का कारण बनता है। देखा जाए तो मानव जनित प्रदूषण प्राकृतिक प्रदूषण से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये मानव जनित और प्राकृतिक द्वारा जो परिवर्तन हो रही है, इससे झारखंड में हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से अछूता नहीं रहा। यहां परिवर्तन हो रहा है, यहां भी चेंजेस जो हो रही है, परिवर्तन हो रही है, उस परिवर्तन में शामिल है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि विभिन्न प्रदूषण पॉल्यूशन यहां भी दिखाई पड़ते हैं। छात्र का मैंने लिखाया है झारखंड में जो पॉल्यूशन का रूप है वो विभिन्न रूपों में है, जल के रूप में, वायु के रूप में, मृदा के रूप में, ताप के रूप में, ध्वनि के रूप में, प्लास्टिक के रूप में पॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि जल पॉल्यूशन क्या है और जल पॉल्यूशन रोकने के लिए भारतीय स्तर पर कौन सा रूल्स काम कर रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा इस उस रूल्स के अलावा यहां के द्वारा उस जल को रोकने के लिए, पॉल्यूशन रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे हर एक का जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय झारखंड सरकार केंद्र सरकार से मिलकर उपाय कर रही है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। हम एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि कौन सा पॉल्यूशन क्या है, रोकने के लिए कौन कौन उपाय झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ओके छात्रगण, थैंक यू।